मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए भूगोल विषय से फिर से एक लाजवाब ज्ञानवर्धक और रोचक लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं। और इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने यदि मेरे YouTube चैनल सुनील जी खाटी बिहारी YouTube चैनल इसको सब्सक्राइब ना किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन पर दबा दें ताकि जब जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको जानकारी मिलता चला जाए। और इस बार चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, ध्यान रखिएगा मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो इंटरेक्टिव फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, ध्यान पूर्वक आप सुनना। बीच बीच में मैं प्रश्न भी पूछूंगा, आपसे जवाब भी चाहूंगा, और यदि आप ध्यान पूर्वक ना सुनेंगे तो फिर आपकी जवाब बीच बीच में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप पर दागता रहूंगा। तो शुरुआत करता हूं, वन कहते किसको हैं? वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जहां पर पेड़ पौधे झाड़ियां ये सब इन सब से आच्छादित होते, आच्छादित मीन्स इन सब से घिरे होते हैं। वन स्वतः भी विकसित हो सकते हैं, उनको प्राकृतिक वन कहते हैं, और वन ऐसे भी होते हैं जो मानव द्वारा भी विकसित किए जाते हैं, तो उनको मानव निर्मित वन कहते हैं। तो इस तरह से वन आपके दो प्रकार के सामान्य रूप से हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं कि वन जैव विविधताओं का आवास होता है, इसमें कई वैरायटीज पेड़ पौधे वृक्ष झाड़ी इसके बाद जानवर इन सब कई वैरायटीज इसमें निवास करते हैं। तो भारत में वन संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, और आप चाहे पूर्व के समय में चले जाएं तो उस समय से भी, चाहे ग्रंथ में हो, चाहे देवता की स्तुति हो, चाहे कोई सांस्कृतिक त्योहार हो, उन सब जगह आप देखिएगा पेड़ पौधा वन का महत्व है। इसलिए धार्मिक ग्रंथ और लोक कथा में भी वन का उल्लेख प्रायः मिलता है। आप इतिहास यदि पढ़े होइएगा तो उसमें एक अरण्यक शब्द आपने सुना होगा। अरण्यक शब्द का ही अर्थ होता है अरण्य मीन्स वन, ऐसा ग्रंथ जो वन में पढ़ा जाता है। तो इस तरह से वन के महत्व के बारे में हम लोगों की संस्कृति, हम लोगों के धर्म में ही, हम लोगों के पूर्वज लोगों ने ही वन की महत्व समझाया है। अब वन और वन्य जीव संसाधन का वितरण क्या है, इनके प्रकार क्या है? तो वन के विस्तार के मामले में भारत का स्थान विश्व में 10वां है। क्या स्थान? जल्दी बोल, जल्दी बोल, मैं सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा हूं, बोल जल्दी। हाँ 10वां, बिल्कुल सही जवाब दिया, 10वां स्थान है। और ये कुल इसका फैलाव लगभग 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन फैला हुआ है। विश्व का सर्वाधिक वन 809 करोड़ हेक्टेयर रूस में है। विश्व का सर्वाधिक वन किस देश में है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, सुनील जी खाटी बिहारी मारूंगा दस, जल्दी बोल। हाँ रूस, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। अब आइए, भारत में विश्व का कुल वनीय विस्तार लगभग 19.27%, लेकिन ये डेटा डेटा जो है वो 2001 के ही अनुसार है। अभी थोड़ा बहुत बढ़ा भी है, 20.60% के आसपास अभी वर्तमान इसमें हम कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में है। और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसका से जो चित्र लिया गया है ऊपर से, उसमें 67.71 करोड़ हेक्टेयर का वन क्षेत्र भारत के कुल भूगोल इसमें इस भारत के कुल क्षेत्र में 67.71 करोड़ हेक्टेयर में ये फैला हुआ इसका अंदाज आता है, और इसका लगभग ये क्षेत्र इसकी विस्तृत आती है। अब आइए, भारत का वन विस्तार, भारत के अंदर भी वन विस्तार ये एक तरह का नहीं है, कुछ क्षेत्र में ज्यादा है, कुछ क्षेत्र में कम है। पूर्वोत्तर राज्य में चले जाइए, ज्यादा है। यदि हम असम को थोड़ा छोड़ दे, और असम को छोड़ दे, और तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत का वन का विस्तार बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश में वन का विस्तार ज्यादा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो ऐसा है जहां पर 90.3% भौगोलिक क्षेत्र में वन का ही विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना है? 90.3% क्षेत्र में। अब वृक्ष के औसत यदि घनत्व के आधार पर आप चलिएगा तो हम लोग कहते हैं कि अत्यंत सघन वन जहां 70% से अधिक वन हो, सघन वन जहां 40 से 70% हो, खुले वन जहां 10 से 40% भूभाग पर वन हो, और झाड़ियां एवं अन्य वन जहां पर वन 10% से भी कम हो। तो ये वन का प्रतिशत के हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब देखते हैं कि मैनग्रोव तटीय वन किसको कहते हैं। तो मैनग्रोव वन उसको कहते हैं, या थोड़ा सा हम और इसके गहराई में उतरते हैं, तो अत्यंत सघन वन
54.6 लाख हेक्टेयर में है और कुल भूमि का 1.66% पर यह फैला हुआ है, और असम और सिक्किम छोड़ करके सभी पूर्वोत्तर राज्य में यह मिलेगा। सघन वन 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है और ये लगभग कुल भूमि का 3% है। हिमाचल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, यहां पर सघन वन मिलेगा। खुला वन में चले आइए तो 2.59 हेक्टेयर भूमि में यह फैला हुआ है, कुल भूमि का 7.12% का। झाड़ियां एवं अन्य वन 2.459 करोड़ हेक्टेयर में है, कुल भूमि का 8.6% के लगभग ये इसका विस्तार है। ये यदि डेटा आपको नहीं भी याद रहता है तो इतनी गहराई में आपको उतरने की जरूरत नहीं है। अब मैनग्रोव तटीय वन के बारे में, इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि इसके बारे में कंपटीशन से लेकर के और सामान समान परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो देखिए, विश्व के तटीय क्षेत्र में यदि आप चले आते हैं तो तटीय वन में 5% क्षेत्र में वन, ये 5% क्षेत्र में इसका विस्तार है और लगभग 4500 किलोमीटर में भारत में इसमें जो समुद्र तटीय क्षेत्र में फैला है, जिसमें आधा क्षेत्र हम कह सकते हैं कि सुंदर वन में है। मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, मेरा एक कुत्ता है वो बीच में झाव झाव का आवाज करता है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और कुछ अगल बगल के कुत्ते चले आते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा आपको बाधाएं कम हो। तो विश्व की तटीय वन में 5% वन ये मैनग्रोव का है और भारत में लगभग 4500 किलोमीटर के लगभग है जो समुद्र तटीय क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसमें आधा जो क्षेत्र आता है वो सुंदरबन में ही है। गुजरात, अंडमान, निकोबार द्वीप समूह से संबंधित 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मैनग्रोव वन ये मिलते हैं। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सब में ये वन प्राय ये वन मिलते हैं। अब देश के वन आच्छादित क्षेत्र में 25.11% क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिसमें 7 राज्य आते हैं, वहां पर ये वन से बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि वन आच्छादित क्षेत्र का 25.11% ये 7 राज्य में ही अवस्थित है पूर्वोत्तर, जहां पर 188 आदिवासी जिलों में कुल वन का यदि आप ले लेते हैं तो 60.11% है। और ये भी ध्यान रखिए, आदिवासी वन को ईश्वर के रूप में, आराध्य के रूप में इनकी पूजा और प्रार्थना करते हैं। देश में वन आच्छादित के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर। कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है कुल क्षेत्र के मामले में? तो मध्य प्रदेश। तो ये ध्यान रखना। और यदि प्रतिशत के मामले में पूछे, यदि केंद्र शासित और सब मिला करके, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सबसे ज्यादा 90.3%। दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, इसका है 10.01%। मध्य प्रदेश में कुल वन का 11.22% है। तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है 8.25%। चौथा स्थान उड़ीसा का है 7.18%। लेकिन यदि पूछेगा तो मध्य प्रदेश ही पूछेगा, ये कंपटीशन में पूछता है और आपको भी टेंथ के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का फैलाव है। अब प्रशासकीय दृष्टि से, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट से हम वन का बंटवारा कैसे करते हैं? तो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट से प्रशासकीय दृष्टि से वन का बंटवारा आरक्षित वन जिसको हम रिजर्व फॉरेस्ट भी कहते हैं, तो जलवायु की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। इसमें ना आप लकड़ी काट सकते हैं, इसका नाम ही है रिजर्व आरक्षित, और ना ही आप इसमें पशु को चरा सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण और मरुस्थल प्रसार के रोकने के लिए आरक्षित वन को सरकार इसको घोषित करती है। देश में 54% आरक्षित वन को घोषित किया गया है, अर्थात कि पूर्ण रूपेण सुरक्षित, इसको ना ही आप वहां पर पशु चरा सकते हैं और ना ही आप वहां लकड़ी काट सकते हैं। दूसरा प्रकार है, उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रक्षित वन। क्या नाम? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रक्षित वन। इसमें विशेष नियम के अधीन पशु का चारण आप कर सकते हैं विशेष क्षेत्र में, और सीमित लकड़ी काटने की आपको सुविधा दी जाएगी। वन विभाग के अनुसार कुल वन का लगभग 29% रक्षित वन है, और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, इसको कहते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन है कि ये वन और बंजर भूमि जो सरकारी
सरकार के अधीन भी हो सकता है, व्यक्ति के भी अधीन हो सकता है, समुदाय के भी स्वामित्व के अधीन हो सकता है। इसको इसको स्वतंत्र और अवर्गीकृत वन के अंदर रखा गया है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने में सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है और कुल वन क्षेत्र का 17% अवर्गीकृत है। अब वन संपदा और वन जीवन का ह्रास क्यों हो रहा है, इसका संरक्षण कैसे करें? तो देखिए, वन संपदा का ह्रास हो रहा है और ये तो इसकी ह्रास की शुरुआत 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही हो गई थी। जब उपनिवेश काल आया, अंग्रेज आए थे, तो वो वन का नष्ट करने लगे कुछ तो अपने उद्योग के उपयोग में। तो पहले 20वीं सदी के आरंभ के 24% क्षेत्र में वन का विस्तार था, 21वीं सदी आते आते तक 19% रह गया था। आप समझ सकते हैं कितना वन की घटोत्तरी हुई और इसमें मानवीय हस्तक्षेप, पालतू पशुओं का अनियंत्रित चारण, अन्य तरीके से भी वन का दोहन किया गया। विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में एक खास प्रकार की खेती की जाती थी जिसको कहते हैं स्थानांतरित खेती या वर्ण खेती। इस स्थिति में क्या होता था कि ये लोग पेड़ को काट देते थे, फिर उस वहां पर कुछ दिन के लिए खेती करते थे, फिर दूसरे जगह जाकर के जंगल को काट करके और फिर खेती करते थे। इस तरह से जंगल का काफी, इसको स्थानांतरित खेती में काफी जंगल नष्ट हुआ। फिर नदी परियोजना जब बनाई जाने लगी तो लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन को नष्ट करना पड़ा। इस तरह से कई परियोजनाएं ऐसी थी जिसके कारण वन का बहुत ही नष्टीकरण हुआ। और कुछ अब आपको बतलाते, जैसे हिमालय यव क्या है कि चीड़, जैसे आपको एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, ये औषधीय पौधा है, ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में काफी पाया जाता है। चीड़ के छाल, पत्तियों की टहनी और जड़ से टेक्सोल नामक एक रसायन का निर्माण होता था। ये रसायन कैंसर के इलाज में, इसके उपचार में बहुत उपयोग होता था और कई औषधीय गुण के पौधे होते हैं जो कि जंगल में पाए जाते हैं। तो इसका दोहन किया गया, इसका इतना तेजी से दोहन किया गया और मनुष्य में लालच जब चले आती है तो जंगल का नष्ट उसमें किया जाने लगा। इसके कारण क्या हुआ कि सिर्फ जंगल ही नष्ट नहीं हुआ, वहां पर जो वन प्राणी थे उनका भी नुकसान पहुंचा। लगभग 81,000 वन प्राणी भारत में, हमारे देश में थे और 47,000 वनस्पति उपजातियां ये थी। तो वनस्पति उपजातियां में यदि आप चले आइएगा तो लगभग 15,000 तो भारतीय मूल की है। इसमें 742 कितना, 742 कितना, याद रखना 742, ये विलुप्त हो चुकी हैं। अब 22,531 कितना, याद रखना 22,531 विलुप्त के कगार पर पहुंच चुकी है, वो किसी भी समय विलुप्त हो सकते हैं। अब वन जीव के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव क्यों पड़ा, तो वन जीव के अधिवास पर किन कारणों से प्रतिकूल मानवीय प्रभाव पड़ा, इसके तीन प्रमुख कारण है। एक कारण है कि प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण, दूसरा कारण है कि प्रदूषित जनित समस्या और तीसरा कारण है आर्थिक लाभ लेना। देखिए वन जीव को इस पर कि मनुष्य का ये तीन, कि मनुष्य ये चाहता था कि अपना आवास, जैसे कि वो विकास करने लगा, रेलवे लाइन बनाने लगा, बड़े बड़े डैम बनाने लगा, तो उसमें जब विकास का कार्यक्रम करने लगा तो जंगल जो उसके रास्ते में पड़ते थे उसको नष्ट करने लगा। इसके कारण ये हुआ। दूसरा ये था कि आप प्रदूषण आया, प्रदूषण मान लीजिए कि बहुत ज्यादा, जब मान लीजिए मिट्टी दूषित हो गई, जल दूषित हो गए, इसके कारण भी पादप प्रजातियां नष्ट होने लगी। तो उस स्थिति में 1970 ईस्वी में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखना कब, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा, 1970 ईस्वी में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको BSI भी कहते हैं, और वन अनुसंधान संस्थान, ये कहां अवस्थित है, ये कंपटीशन में भी पूछता है और ये तुमको, आपको टेंथ में भी पूछ सकता है, जल्दी बोल, देहरादून में अवस्थित है, बिल्कुल सही। और यहां इन्होंने स्टडीज किया कि आखिर किन पर खतरा है। तो इसमें असाधारण पौधे जो रेयर प्लांट्स थे उनके लिए एक ग्रीन बुक तैयार किया गया। तो ये पता किया गया कि कुछ प्रजाति ऐसे हैं
जिन पर विलुप्त होने का खतरा, कुछ तो विलुप्त हो चुके, कुछ विलुप्त होने के निकट पहुंच चुके हैं, तो विश्व स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इसके लिए कुछ एजेंसीज आई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण संस्था थी। ये संकट ग्रस्त प्रजातियों के लिए, संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कौन? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरी संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको IUCN भी कहते हैं, और एक इसको अब विश्व संरक्षण, इसको हम लोग कहते हैं कि विश्व संरक्षण संघ भी कहते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। तो इनका ये कहना है कि पौधे और प्राणियों को हम इन श्रेणी में विभाजित कर सकते, एक सामान्य जाति जो एवरेज है, पशु, साल का वृक्ष या फिर चीर ले लो, ये सब एवरेज है। संकटग्रस्त प्राणी जैसे काला हिरण हुआ, मगरमच्छ हुआ, इसके बाद भारतीय जंगली गधा हुआ, गेंडा हुआ, पूछ वाला बंदर हुआ, मणिपुरी हिरण हुआ, ये सब संकटग्रस्त जातियां में है। आप समझ सकते हैं, सलमान खान ने एक हिरण, राजस्थानी हिरण को उन्होंने मारा था, दो हिरण को, जिसके कारण उनको जेल की भी सजा भुगतनी पड़ी, आज तक वो केस चल रही है। तो इसलिए जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनको मारना, उनका आखेट करना कानून जुर्म है, सरकार की तरफ से प्रतिबंधित है। और सुभेद जातियां हैं कि जैसे नीली भेड़ हुई, एशियाई हाथी हुई और गंगा की डॉल्फिन हुई, इस प्रकार की जातियां हैं कि इन पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। और दुर्लभ जातियां उनको कहते हैं कि यदि थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो वो लगभग विलुप्त, यदि थोड़ा सा भी परिवर्तित, यदि उनके रहन आवास या टेम्परेचर इन सब में कुछ में भी होगा तो वो संकटग्रस्त जातियों में चले आवेंगे, वो एकदम बाउंड्री लाइन मार्जिनल पर है। तो उस स्थिति में इसको ही हम लोग सुभेद जातियां भी कहते हैं या दुर्लभ जातियां भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां क्या है कि जैसे किसी विशेष प्राकृतिक क्षेत्र में, किसी विशेष भौगोलिक सीमा के क्षेत्र में जो मिलती हैं, कुछ मान लीजिए कि प्रजातियां मिलती हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्थानिक जातियां। जैसे अंडमानी टील हुई, निकोबारी कबूतर हुए, ये निकोबार में ही पाए जाते हैं, अंडमान में ही पाए जाते हैं, अंडमानी जंगली सुअर भी इसी वर्ग में आते हैं, तो ये खास क्षेत्र में आते हैं और इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और लुप्त जातियां वे हैं कि इनके जब आवास खोजने गए, जिस जगह पर वो रहते थे तो उस जगह पर उनकी बहुत कम संख्या पाई गई या पाई गई कि वो समाप्त हो चुके हैं। जैसे एशियाई चीता हुआ, गुलाबी शर वाला बत्तख हुआ, ये अच्छा उदाहरण है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि संकटग्रस्त वन और वन्य जीव पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए एक बहुत अच्छी संस्था है, जिनका नाम याद रखिएगा वर्ल्ड वाइल्ड फॉर नेचर, इसको WWF के भी नाम से हम लोग पुकारते हैं। और भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी है जो इसके लिए अब काफी महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। तो वन जीव के संरक्षण के लिए अब इनको अलग अलग महत्व के दृष्टिकोण से बांटा गया है। एक है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जिनको हम लोग अंग्रेजी में नेशनल पार्क भी कहते हैं। ऐसे पार्क के का इसका उद्देश्य स्थापित करने का कि इसमें इनके पेड़, प्रजाति, जंतु के वृद्धि और प्रजनन को बढ़ाना। तो इस उद्यान में कृषि, वन उत्पाद, पशु चारण, निर्माण किसी भी तरह का कार्य नहीं कर सकते। तो आप राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में ना ही आप खेती कर सकते हैं, ना ही वन उत्पाद को नष्ट कर सकते हैं, ना पशु चारण कर सकते हैं, ना कोई निर्माण कार्य कर सकते हैं। तो ये नेशनल पार्क हुआ। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान 85 से भी ज्यादा अभी वर्तमान में है। अब विहार क्षेत्र या अभ्यावरण, इसको सेंक्चुअरी भी कहते हैं, यह एक सुरक्षित क्षेत्र है और यहां पर वन जीव सुरक्षित हैं। और आपकी निजी संपत्ति हो सकती है, आपकी खेत हो सकती है, लेकिन आपको कृषि या वन उत्पाद का को एकत्र करना या मछली पकड़ने की सीमित छूट दी जाएगी, आप अनकंट्रोल नहीं कर सकते हैं। भारत में इसकी संख्या 448 से भी अधिक है। जैसे बिहार के बेगूसराय में चले आइए, कांवर झील का नाम सुने होगा बेगूसराय में, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान का नाम सुने होगा। इसके बाद जैव मंडल में चले, बायोस्फीयर रिजर्व,
ये प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए यहां कार्यक्रम चलाए जाते हैं और 65 देश में लगभग 243 से अधिक सुरक्षित जैव मंडल हैं। भारत में इनकी संख्या 14% से अधिक है और यहां पर आप जैव मंडल में बायोस्फीयर रिजर्व है तो इसमें संरक्षण के कार्य के लिए इन क्षेत्र को घोषित किया गया है। तो इस तरह से मैं सुनील जी खांटी बिहारी आपसे यही विदा लूंगा, लेकिन मैं पुनः आपसे जरा तेज रफ्तार से प्रश्न पूछ रहा हूं। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र के हिसाब से किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। प्रतिशत के मामले में आइएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। अच्छा ठीक ठीक ठीक, भारत में लगभग कितने प्रतिशत वन है? तो 20.6 के आसपास अभी वर्तमान में है। यदि पूर्व का डेटा लीजिएगा 19.5 के आसपास था, जबकि आप शताब्दी के पूर्व में लीजिएगा तो उस समय ज्यादा प्रतिशत में था, लगभग 24% के आसपास था। तो मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे यही बिता ले रहा हूं। यदि आपको ये पसंद आया वीडियो तो आप लाइक मारे और यदि आप अब तक आप सब्सक्राइबर न हो तो सब्सक्राइब करें। और जय बिहार जय भारत। पुनः आपको मैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलूंगा।